हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट में क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो 360 किलो, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया भी है पिछले एक्सरसाइज में, ठीक है। तो सिंपल ये भी, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड एंड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मतलब सिंपल सा वो ये कह रहा है आपको, एक ट्रेन जो ट्रैवल करती है 360 किलोमीटर, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड में करती है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन जो यूनिफॉर्म है बी एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड टोटल डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करना है वो कितना है, 360 किलोमीटर का। तो इसमें इसको टाइम कितना लगा होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही होता है। तो मैं मान लेता हूँ ये वाला जो टी है, ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास 360 और स्पीड है हमारी एक्स, तो इतना टाइम लगा उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट प्लेट पढ़ेंगे क्या है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, स्पीड हो गई 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो जो टाइम लगेगा वो 1 आवर लेस लगेगा। ये तो बात है ही है, स्पीड हम ज़्यादा कर देंगे अगर ट्रेन की तो टाइम कम लगेगा। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखो, टाइम में लेस हो गया 1 आवर माइनस वन, और 360 बाय एक्स, और एक्स स्पीड में कितना हमने बढ़ाया 5 किलोमीटर का, तो एक्स प्लस 5, क्लियर। अब इसमें क्या करूँ मैं, पुट द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू ये थी हमारे पास, तो इसमें यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 360 बाय एक्स माइनस वन अपॉन इक्वल टू 360 एक्स प्लस 5। इसको सोल्व करेंगे और हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, सिंपल ही था। तो देखो कैसे, इसको इधर ले आते हैं, 360 बाय एक्स माइनस 360 अपॉन में एक्स प्लस 5, ये इधर आके माइनस में बन गया और ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1। नाओ एक्स एक्स प्लस 5 इज़ द एलसीएम, ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 5 इंटू में 360 माइनस ये 1 हो गया, ये आ गया आपका 360 एक्स इक्वल टू 1। नाओ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 360 एक्स प्लस 360 इंटू 5, एटीन हंड्रेड, ये आ गया आपके पास 1800 माइनस 360 एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में ये आ गया एक्स स्क्र प्लस 5 एक्स, 360x से 360x कैंसिल, तो ये बच गया आपके पास यहाँ 1800 अपॉन में एक्स स्क्र प्लस 5x इक्वल टू 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 1800 इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 5x, नाउ इंटरचेंज, एक्स स्क्र प्लस 5x इक्वल टू 1800, नाउ दिस 1800 विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड, एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। नाउ अगेन, अब क्या इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हम, ये देखो ज़रा, ये क्या किया था मैंने, एक्स स्क्र प्लस 5x था, इनको इंटरचेंज किया, इंटरचेंज होकर आ गई ये, ठीक है, और उसके बाद 1800 को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस का 1800 आ गया। अब 1800 इंटू 1 1800 फैक्टराइजेशन मेथड से, और ये रहा 1800 2 9 2 450 3 153 अगेन 2 25 5551 ये बना है ना। तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ यहाँ पर, फैक्टर्स बना दूँ अगर इसके, ये आएंगे आपके पास 2 इंटू में 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 5 इंटू में 5, ये आपके पास ये वाले फैक्टर बन जाएंगे इसमें 45 एंड 40। कैसे, 5 थ्री ज़ा 15, थ्री ज़ा 45 एंड दिस 5 टू ज़ा 10, टू ज़ा 20, टू ज़ा 40, ये 45 और 40, ठीक है। इनको देखो कैसे कर सकते हैं हम, इसमें आपके पास प्लस का 5 लेके आना है, तो प्लस का 45 माइनस का 40, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 45x माइनस के 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा एक्स एक्स प्लस 45 एंड दिस विल बी माइनस 40, और ये आ जाएगा x और यहाँ से प्लस के 45 इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 40 एक टर्म और x प्लस 45 ये एक टर्म आ गई। नाउ x माइनस 40 इक्वल टू 0 एंड दिस x प्लस 45 इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया x इक्वल टू प्लस का 40 और यहाँ से आ गया x का माइनस 45, तो ये तो नहीं होता माइनस में, तो है ना, तो प्लस में ही होता है। तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ द ट्रेन आई है वो कितनी आई है, 40। तो आंसर क्या होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर, ये आया है हमारे पास इसका आंसर, क्लियर है, सिंपल ही था क्वेश्चन, ठीक है जी, ओके, थैंक यू।